मायसेल्फ दीपिका अरोड़ा हैशटैग बीसीपीएस के वी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स दैट मींस त्रिभुज का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल दैट मींस त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, तीन भुजा, त्री मतलब तीन और भुजा मतलब तीन भुजाओं वाला। और ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। तो हम किससे बनाएंगे? ट्री प्लस एंगल्स, दैट्स कॉल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड three vertices। एक त्रिभुज के तीन भुजा यानी कि three sides, three angles यानी कि तीन कोण और three vertices that means तीन शीर्ष होते हैं। तो एक ट्राइंगल इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और ये हो गए इसके एंगल्स। ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री साइड्स हैं इसके पास, थ्री एंगल्स ए एंगल बी एंगल सी एंगल, थ्री वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, ये भी कितने हैं? थ्री। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। त्रिभुज, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, त्री, त्री मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, त्री यानी कि तीन भुजाओं वाला। ए ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, एक त्रिभुज की तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजा हो गई ए बी, बी सी और ए सी। तीन कोण हो गए कोण ए, कोण बी, कोण सी। तीन शीर्ष हो गए जो हमारे ये शीर्ष हैं, ये शीर्ष बिंदु बी और शीर्ष सी। ये हो गए इसके हिंदी। अब हम देख लेते हैं इसका। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन मेन जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। तो इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट बात करते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज की। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्विलेटर ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के त्रिभुज में सबसे पहले हमने लिया है इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स सभी भुजा बराबर होती। सेकेंड होती है ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, दैट मीन्स प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हमने ड्रॉ कर लिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ली है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। और ये वाली ए बी किसके इक्वल है? बी सी के। बी सी किसके इक्वल है? ए सी के। तीनों भुजाएं जो हमारी दी हैं वो हैं बराबर। और ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, दैट मीन्स प्रत्येक कोण 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री और एंगल सी भी 60 डिग्री। नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज। हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
टू साइड्स इक्वल होती हैं, दैट मीन्स अगर ये एक्स है तो ये वाली भी कितनी होगी, एक्स, और जो हमारी बेस साइड होगी वो डिफरेंट होती है। ये एक्स है, ये एक्स है, सपोज ये फोर है, दो साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड डिफरेंट होगी, और इसके ये बेस एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इसका हो जाएगा दो भुजा बराबर होती है। एंड टू बेस एंगल्स, जो हमारे बेस एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल, टू बेस एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। जो आधार के यहाँ पे कोण होते हैं दो, वो भी क्या होते हैं, बराबर। सपोज इसमें ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली जो साइड है पी क्यू पी आर के इक्वल है, दैट मीन्स पी क्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा जो क्यू आर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राइंगल देख लेते हैं, स्केलेन ट्राइंगल दैट मीन्स विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमने एक के ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, इसको पहले नाम दे देते हैं डी ई एफ। इसकी जो साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो 3, 5, 7, इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नॉट इक्वल साइड्स, दैट मीन्स इस ट्राइंगल की कोई भी जो भुजा होती है वो बराबर नहीं होती है, भुजाएं बराबर नहीं होती। एंड नॉट इक्वल्स एंगल, कोण भी बराबर नहीं होते, कोण बराबर नहीं होते। इस ट्राइंगल में जो भी एंगल्स बनेंगे, जैसे एंगल डी ई एफ, तो तीनों ट्राइंगल क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स त्रिभुजों की सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन साइज एंड साइज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम डायमेंशन एंड शेप, दैट मीन्स इसका हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो चीज़ें हैं, साइज में सेम हैं, ऑब्जेक्ट भी, जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं साइज सेम है उनका, और साथ में क्या है उनका, शेप भी सेम है, और एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 10 रुपीज़ के कॉइन हैं, 2 10 रुपीज़ के कॉइन हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को पूरा कवर कर रखा है इन्होंने और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ये दो सर्कल हैं हमारे पास, सर्कल भी क्या है, एक दूसरे को पूरा क्या कर रहे हैं, कवर कर लिया है, एक दूसरे को पूरा कवर कर लिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। सेम साइज सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि उनका साइज भी सेम हो और सेम ऑब्जेक्ट है, शेप भी सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ट्राइंगल्स ले लेते हैं, 2 ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, देखो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ये भी
सपोज ये डिफरेंट शेप का होता, ये वाला भी डिफरेंट शेप का होता, तो हमारे पास ये दोनों कॉन्ग्रेंस नहीं होते। सपोज हमारे पास ये टू ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये साइज में भी बहुत छोटा है और दूसरा ये एक दूसरे को ओवरलैप कहीं से भी नहीं करेंगे, तो ये हमारे कॉन्ग्रेंस नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप कर देना। जैसे ये हमारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे पूरे पूरे, तो इसे क्या कहेंगे, ये हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंस। ये येलो और ब्लू ट्राइंगल, ये हमारा हो जाएगा कॉन्ग्रेंस, और ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। थ्री ट्राइंगल्स ले लिए हमने, ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर के थ्री ट्राइंगल्स हैं। सपोज ये साइड है मेरी 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये साइड है हमारी 4.5 सेंटीमीटर। और हमारे पास ये दिया हुआ है, सपोज इसे मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये है हमारा 4.5 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं इसे, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि इन तीनों एंगल्स में से कौन से कॉन्ग्रेंस हैं। कॉन्ग्रेंस एंगल कौन से होंगे जिनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी साइड्स है, डी ई या फिर ई एफ या फिर एफ डी, किसी के भी इक्वल है। जो ए बी ये वाली साइड, इसमें 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इसमें 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है। हमारी जो ये बी सी है, इसमें 4.5 सेंटीमीटर है और डी एफ भी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। इसमें ए सी जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो यहाँ पे डी ई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। कॉन्ग्रेंस के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए था, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल को देखते हैं, पी क्यू आर को, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, आर क्यू है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। जो हमारे ट्राइंगल हैं, इनके नेम चाहे कोई भी हो, लेकिन इनकी जो साइड्स हैं, एक साइड इसमें 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड इसमें 4 सेंटीमीटर है, एक साइड इसमें 5 सेंटीमीटर है, एक साइड इसमें भी 5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स अगर इन ट्राइंगल्स को कट कर दिया जाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और जो ट्राइंगल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं वो कॉन्ग्रेंस होते हैं। दैट मीन्स वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसको लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंस को कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर के हम इक्वल नहीं लिखेंगे, हमें किसका साइन लगाना है, कॉन्ग्रेंस का साइन लगाना है। तो कॉन्ग्रेंस का साइन कैसे होता है, इक्वल टू बनाकर और कुछ ऐसे कर देंगे, ये हमारा होता है कॉन्ग्रेंस का साइन। तो इससे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी है किसके कॉन्ग्रेंस है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। और अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रेंसी रूल, दैट मीन्स सर्वांग समता नियम के अनुसार, ए बी जो ये वाली साइड होगी, ए बी किसके इक्वल होगी, पी क्यू के। दैट मीन्स फर्स्ट यहाँ पे ये ए बी है, तो यहाँ पर किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू। हम इनको इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ए बी सी पी क्यू आर, इनको चेंज नहीं कर सकते, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर पी क्यू आएगा, ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। और बी सी यहाँ पर क्या है हमारे पास, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। और ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। नेक्स्ट टॉपिक आता है एस ए एस, दैट मीन्स साइड एंगल साइड, हिंदी में कहेंगे भुजा कोण भुजा। इसके लिए दो ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये टू ट्राइंगल हैं, साइड एंगल साइड, दैट मीन्स साइड ये वाला एंगल और फिर साइड, ये वाली साइड यहाँ पर आएगा और
और ये एंगल और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये एंगल और ये साइड। अगर ये प्रॉपर्टी इसको फुलफिल करती है तो ये हमारा हो जाएगा साइड एंगल, साइड की ये प्रॉपर्टी है। और जैसे इसमें लिखा है सीक्वेंस वही रहेगा इसका, साइड एंगल साइड, पहले साइड फिर एक एंगल और फिर कंटिन्यू क्या आएगी, एक और साइड आएगी। तो इसे कहते हैं साइड एंगल साइड, दैट मीन्स भुजा कोण भुजा। ये हमारा सर्वांग समता का नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं, रूल टू, दैट मीन्स साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, जिसका मतलब होता है भुजा भुजा भुजा। टू ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। टू ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं साइड साइड साइड, दैट मीन्स ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ये थर्ड साइड इस साइड के इक्वल होगी। कॉन्ग्रुएंस नियम तभी यहाँ पे फॉलो होगा जब ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड, ये थर्ड साइड इस थर्ड साइड के क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो साइड 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 सीक्वेंस से हमारा आएगा, तो हमारा नियम लगेगा भुजा भुजा भुजा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कोण भुजा कोण, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल, इसे ले लेते हैं। थर्ड रूल है, एंगल साइड एंगल, ए एस ए, एंगल साइड एंगल, दैट मीन्स एंगल मतलब कोण, साइड भुजा कोण। टू ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल साइड एंगल दिया हुआ है हमारे पास, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके, एंगल साइड एंगल। हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि हम ये ऐसे कह लें, जैसे कि सपोज मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, जैसे मैं ये दोनों एंगल ले लेती हूँ, ये एंगल और ये एंगल, और साइड ले लेती हूँ ये वाली, तो ये गलत है क्योंकि एंगल के एंगल साइड एंगल, पहले एंगल आना चाहिए फिर एक साइड और फिर एंगल, हम क्या कर रहे हैं दोनों एंगल ले रहे हैं और फिर एक साइड ले रहे हैं, तो ये वाला जो मेथड होगा हमारा ये रॉन्ग मेथड होगा, इसे हमें फॉलो नहीं करना है। हमें क्या लेना है, एंगल साइड एंगल, पहले एंगल आना चाहिए फिर एक साइड और फिर एंगल। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ रूल, ए ए एस, दैट मीन्स एंगल एंगल साइड, दैट मीन्स कोण कोण भुजा। ये वाले रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टू ट्राइंगल्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं और फिर से देखते हैं। टू ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, कोई भी दो एंगल ट्राइंगल के, कोई भी जो टू एंगल्स होंगे वो दूसरे टू एंगल्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये जो हमारे पास साइड है ये इसके इक्वल है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल एंगल साइड, दैट मीन्स कोण कोण भुजा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल की,
फिफ्थ आ गया हमारे पास आर एच एस, दैट मीन्स होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसके लिए एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसे। जब भी हमारे पास राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और एक साइड, एक हमारे पास क्या हो गया, एक तो 90 डिग्री हो गया, कोई भी एक साइड हो जाएगी हमारे पास, और एक हाइपोटेनस आ गया, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, आरएचएस की प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस रूल में लगाएंगे, आरएचएस की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये थे हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल, 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कोई भी हमने ट्रायंगल ले लिया है, मैंने स्केलन ट्रायंगल लिया है, दैट मीन्स विषमबाहु त्रिभुज, 2.8 सेंटीमीटर की ये हमारे पास एक लाइन है, इसे नेम दे देते हैं ए बी सी। ए बी है 2.8 सेंटीमीटर, ए सी है 3 सेंटीमीटर और बी सी है 4 सेंटीमीटर। तो इससे हम एक और चीज़ देखते हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब हुआ त्रिभुज की कोई भी जो दो भुजाएं हैं उनका योग तीसरी भुजा से ऑलवेज बड़ा होता है। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 3+4 और यहाँ पे इन दोनों, ये हमने साइड ले ली एसी और ये ले ली बीसी, इन दोनों का हमने जोड़ दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इनको ऐड करके 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दिया हमने। 3 और 4 कितना हुआ 7 और यहाँ पे हो गया 2.8। दैट मीन्स जो हमारा वन साइड हो गई, ये टू साइड के सम से क्या है, यहाँ पर टू साइड का जो यहाँ पे सम हो गया क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, 2.8 से। सपोज हम ये ले लेते 4+2.8=3, हमारे पास हो जाता 6.8 और यहाँ पे हो जाता 3, ये इक्वल टू तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.8 ग्रेटर हो जाएगा और थर्ड कंडीशन हमारे पास हो जाएगी, 3 और 4 को कर लिया, 4+2.8 को कर लिया, तो अब हम कर देते हैं 3+2.8 और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 4, 3 और 2 यहाँ पे 5.8 और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा 4 से। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी नॉट इक्वल टू है, ये भी और ये भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 ग्रेटर है। हमने यहाँ पे ये दिखाया था, शो करा था कि जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं उनका योग क्या होता है, तीसरी भुजा से ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा। एक और कंडीशन ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर, इनके एंगल्स हो गए हैं। एंगल जो आर है हमारे पास, पहले इनको कोई नाम दे देते हैं, 60, 40 एंड 80। एंगल आर है वो सबसे बड़ा है, तो एंगल आर के सामने वाली भुजा, दैट मीन्स सामने जो अपोजिट साइड होगी उसके, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हो गई, पी क्यू। एंगल आर अगर हमारे पास ग्रेटर है तो पी क्यू भी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी, दैट मीन्स सबसे बड़ी साइड होगी।
और इसी के अपोजिट एंगल 40 सबसे छोटा है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, सबसे छोटी होगी, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर। ये था हमारा चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएं। तब तक के लिए बाय बाय। ये था हमारा चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।